महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस के रूप में किया गया राज्य स्तरीय धरने का आयोजन। इस धरने की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी विवेक बंसल व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा कुमारी शैलजा द्वारा की जा रही थी। राज्य स्तरीय धरने में हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता, कालका से विधायक प्रदीप चौधरी व पूर्व मेयर उपिंदर कौर अहलूवालिया सहित कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। की गड़गड़ाहट उनको सुनाइए कि यहाँ की महिलाओं में, यहाँ की बच्चों में, यहाँ पे युवाओं में जान है और हमारे बीच में हमारी ऊर्जा स्रोत, हमारी शेरनी कहलाने वाली जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में जान फूंकी है, कुमारी शैलजा जी का भी हम पंचकूला की धरती पर स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, किरण चौधरी जी, प्रदीप चौधरी जी, मेरे भाई रामकिशन गुज्जर जी और सम्मानित मंच कहूंगी, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। और आज जिस चीज के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्यों आज हमें यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा, हर रोज एक ही मुद्दा है। आज उस बच्ची का अपहरण हो गया, आज उस महिला का बलात्कार हो गया, कान पक जाते हैं और मुंह थक जाता है मेरा टीवी पर बोल बोल कर हर रोज वही बात, पर आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो नारा लगाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब 6 साल के बाद उन्होंने वो नारा पूरा कर दिया ये कहकर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बड़े होने पर उसका बलात्कार करवाओ नहीं तो गोली मरवाओ। ये है इस भाजपा सरकार की नियत और नीति। आज जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बूढ़ी बेगम बैठी हैं, कृष्णा जी बैठी हैं, बिल्लो जी बैठी हैं, आप सब लोग कॉलोनी में रहते हैं, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या रात को आपको नींद आती है कि हमारी बच्ची घर से बाहर गई है अंधेरा होने के बाद वो घर पर सुरक्षित वापस आ पाएगी? आज मैं पूछना चाहती हूँ अपने भाइयों से जिनकी बहनें कॉलेज स्कूल जाती हैं, क्या उनको इस बात की गारंटी होती है कि शाम को वो सुरक्षित घर पे वापस आ जाएंगी? मेरी भी बेटी है भाई, मुझे तो नींद नहीं आती। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।